हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉस्ट मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ, भिंडी का मसालेदार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जो कि आप लोग इस तरीके से एक बार बना लेते हो ना फ्रेंड्स, तो बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करोगे और आप लोगों को ना इसमें टेस्ट आने वाली है चिकन मटन वाली, तो बहुत ही टेस्टी होने वाली है आज की रेसिपी। तो रेसिपी पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम लोग रेसिपी रखना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ले लेंगे भिंडी। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास ना 500 ग्राम जितना भिंडी थी, तो बस भिंडी को मैंने कट करके धो करके रख लिया था एक प्लेट में, और ना भिंडी के थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखा था साइज़। तो आप लोग देख सकते हो इसका साइज़, तो इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा ही रखा था साइज़। अगर आप लोग थोड़ा सा इसे छोटा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़ा सा बाउल में। तो इस तरह से मैंने बड़ा सा बाउल में इसको कर लिया है ट्रांसफ़र। इसमें डाली बस थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे नमक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो ये ना फ्रेंड्स कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा डाला कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच डाल दिया पूरे भर करके लहसुन का पेस्ट। तो हाँ, लहसुन का पेस्ट ही हम लोग सिर्फ डालेंगे, अदरक का पेस्ट इसमें नहीं डालना है, सिर्फ लहसुन का ही पेस्ट इसमें डालना है। अच्छी तरह से स्पून की मदद से कर लेंगे मिक्स। तो बहुत ही इस तरह से मिक्स करना है, एक एक भिंडी में सारे मसाले कोट होना चाहिए। तो इस तरह से एक बार ना इस तरह से कर लेंगे, तो बस इसको ना ढक कर के रख देंगे लगभग 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है ना एक में एक एक होना चाहिए, मसाले में जाना चाहिए। तो हम लोग मसाला बना लेंगे सरसों का। तो ये देखिए मैंने एक पूरे छोटा बाउल से एक पूरे भर कर के मसाले कर लिया, सरसों का मसाला रेडी। तो सिर्फ सरसों का मसाला रेडी किया है, बाद में क्या मसाला डालेंगे वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर ना अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुकी है हमारी भिंडी, यानी कि 10 मिनट हो चुकी थी। तो अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो बस गैस के ऊपर रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए, और इसमें हम लोग डालेंगे पूरे एक चम्मच भर करके सरसों का तेल। तो इस तरह का सब्जी में ना सरसों का तेल बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप लोग भी कोशिश करना सरसों का तेल ही डालने का। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा सरसों का तेल, यानी एकदम धुआं निकलने लगे, तो इस स्टेज पर हम लोग डालेंगे भिंडी और बस इसको ना हम लोग फ्राई कर लेंगे एकदम हाई फ्लेम पर। इसको हम लोग फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से भिंडी हमारी फ्राई हो सके। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको हम लोग फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ना चिपकना शुरू हो चुकी है। तो आप लोग देख, बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है फ्राई। तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए मैं निकाल करके आप लोग को दिखाती हूँ एक प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निकाल लिया एक प्लेट में भिंडी को। आप इसी ने चाहो तो ऐसे भी दाल चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर दाल चावल के साथ खाते हो थोड़ा सा और इसको डार्क कर लेना, यानी कि और थोड़ा सा ऑयल डाल करके, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल करके इसको फ्राई करना। तो ऐसे ही दाल चावल के साथ ऐसे बहुत ही अच्छी लगने वाली है। फिर लिया सेम कढ़ाई और उसमें डाल दिया एक चम्मच पूरे भर करके ऑयल। तो जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई थी, तो यहाँ पर डाल दिया एक कटा हुआ प्याज। तो बस एक ही रखा था प्याज, तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था प्याज को, और इसको ना इस तरह से चलाते हुए हम लोग भून लेंगे। और जो कि हम लोग सरसों का जो शुरुआती मसाला बना करके रखे थे ना, वही वाला मसाला हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज के साथ ही, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए। तो इस तरह से हम लोग चला लेंगे। इसमें भी मैं डाल रही हूँ एक चम्मच पूरे भर करके लहसुन का पेस्ट। तो इसमें अदरक अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन ही है। तो याद रखना सिर्फ लहसुन ही डालना है, इस तरह के सब्ज़ी में अदरक नहीं डलता है। तो मैंने अदरक नहीं डाला था। डाल दिया थोड़े से हल्दी का पाउडर, नमक यहाँ पर डाल दिया। तो नमक ध्यान से यहाँ डालना है, क्योंकि हम लोग भिंडी फ्राई करते समय नमक डाले थे, तो इसलिए नमक थोड़ा ही डालना। साथ में डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, छोटे चम्मच से एक चम्मच डाल दिया था लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को आपस में। और तो बस एक छोटा सा एक टमाटर, कटा हुआ टमाटर डाल दिया था। और बस टमाटर डालने के बाद ना एक छोटी कटोरी हम लोग डाल देंगे पानी, और इसको अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ा सा डाल दिया था पानी ताकि मसाले हमारे जले ना। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग ने इसको ढक करके पकाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह से पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो बस फ्लेम का ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पर अगर हम लोग पकाते हैं तो मसाले में जल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो ऑयल ना मसाले से सेपरेट होना शुरू हो चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसको बीच बीच में चला रही थी, नहीं तो क्या होता ना जल जाता। तो बस इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए इसको मैंने पका लिया था मसाला को। आप लोग देखा ना ऑयल सेपरेट जब होना शुरू हो जाएगी ना, तब हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। तब अपने थिकने के हिसाब से डाल सकते हो पानी। तो आधा गिलास मैंने डाल दिया है पानी,
और ध्यान रखना कि इसमें ज़्यादा पानी, ग्रेवी मतलब होना चाहिए बट थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो इसका थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा चाहिए होता है इस तरह का सब्ज़ी में। तो जब पानी में हल्का हल्का जब बॉयल आना शुरू हो चुकी थी तब मैंने इस यहाँ पर डाल दिया है भिंडी जो कि हमने फ्राई करके रखी थी, बस वही वाला भिंडी डाल दिया है और इसको ढक कर के 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से भिंडी हमारी कुक हो जाए। तो ये देखिए 1 से 2 बार बॉयल जब आना शुरू हो चुकी थी तब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं उसका लुक कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में ही, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। तो बस इस तरह से मैंने गैस को यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो बस इसको ना वापस से मैंने ढक कर के छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। तो बस अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो एकदम अच्छी तरह से जब ये ठंडी हो गई तब मैंने निकाल दिया यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट में, और आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा टेस्टी लग रही देखने में, खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस ऊपर से मैंने बस हरी मिर्च से गार्निशिंग किया, अगर चाहो तो आप कट करके भी डाल सकते थे शुरुआत में ही हरी मिर्च, मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने बस इस ऐसे ही जस्ट इसको गार्निशिंग किया था हरी मिर्च से। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। फ्रेंड्स तो रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर नया आते तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना।